हाँ जी, जय माता दी, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पे आज बेटे ने अचानक से वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो चलो बना लेते हैं फिर आज वीडियो। 4-5 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और दुकान पे भी काम होता है आजकल, कुछ सिलाई वगैरह भी करनी होती है, सूट शादी है ना, इसलिए तो टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे देखो ये बड़ी छोटे से नन्नू से जो डोगी है हमारे, उनकी मस्ती चल रही है। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ दुकान में, और यहाँ पे किसी ने फेशियल करवाना था। जो लड़की रखी हुई है मैंने, पूनम, तो वही ब्लीच वगैरह कर रही थी। फेशियल बाद में करेंगी, तो पहले ब्लीच करेगी, यही करेगी लड़की। और यहाँ पे ये छोटी सी गुड़िया, इसकी बातें चल रही थी। और यहाँ पे ये देखिए बड़ी, पता नहीं क्या करता है दांत, कोई भी कपड़ा हो कुछ भी हो बस उसमें दांत फंसा लेता है अपने। पता नहीं इसकी खारिश होती है दांतों में, पता नहीं खेलता है क्या करता है। ये देखना इसकी मस्ती। बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी के भी हों चाहे जानवर के हों, बच्चे लगते ही प्यारे हैं। तो ये छोटा सा बहुत ही प्यारा लगता है, और छोटे बेटे को तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा, वो तो इसके पीछे ही लगा रहता है। कभी इसको दूध पिलाना होता है, या कभी शुशु कर दे तो पोचा वगैरह लगाना होता है, बस इसका इसी का ही काम लगा रहता है इसको। तो यहाँ पे चल रही है इनकी मस्ती। तो दोपहर का काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे बनाना था दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी काली तोरई होती है जो, वो काट कर रखी थी मैंने सुबह ही। तो यहाँ पे मैंने तड़का रख दिया है लहसुन वगैरह भुनने के बाद। इसमें डाल दी हैं प्याज, और इसमें ही डाल दूँगी मैं सूखे मसाले। तो सूखे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज वगैरह भून चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद इसमें, अभी हल्दी नहीं डाली थी मैंने, वही डाल देती हूँ। और थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी। तो टमाटर डालकर थोड़ी देर कर इसे ढककर पकाऊंगी। तो थोड़ी देर ढक देते हैं, और ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम जो कटी हुई हमारी काली तोरई है वो। तोरई की सब्ज़ी बनाते हुए इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती है। तो 5 मिनट में ही सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। और रोटी बना लेते हैं, उतनी एक साइड में रख दूँगी सब्ज़ी, और एक साइड बना लेते हैं रोटी, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो दोपहर के बाद मैं रात शाम के टाइम अब कर रही हूँ आपसे बात। 7:30 का टाइम हो चुका है, 7:30 का, 7:45, 8 का टाइम हो रहा है। और यहाँ बड़े वाला बेटा बड़ी के साथ ही खेल रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी, रात के खाने में मैगी ही बनाऊँगी, क्योंकि छोटे वाला बेटा और उसके पापा तो है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। और बड़े वाले बेटे ने कहा कि मैगी बना लेते हैं, उसका मन है मैगी खाने का, तो चलो फिर मैं भी यही खा लूँगी। तो दोनों ही सिंपल सी मैगी बनाकर खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने घी डालकर 2 चम्मच, उसमें डाल दिए थे मैंने प्याज और हरी मिर्च, और इसी में ही डाल दूँगी मैं सूखे मसाले, हल्का सा नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी तो बाद में ही डालूंगी, खैर पर अभी डाल दूंगी मैं इसमें हल्की सी हल्दी। तो ज़्यादा नहीं पकाऊंगी इसको, हल्का ही पकाऊंगी प्याज को। तो प्याज भून चुके हैं, अब इसमें ही डाल दूंगी मैं टमाटर, और फिर इसी में ही भून लूंगी मैं मैगी डालकर।
तो मैगी बनकर हो चुकी है तैयार, तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और ये है मेरे वाली, ये देखिए कैसी लग रही है, सिंपल सी मैगी, आप लोग भी खा लीजिए। हेलो, जय माता की, कैसे हो आप सब। तो दो चार दिन के बाद आपसे बात हो रही है, चार क्या पाँच दिन ही हो गए होंगे। तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ दुकान का काम भी अब करवा चौथ आ रही है, इसलिए तो आज के रात के खाने में सिर्फ मैगी बनाई है, मैं और मेरा बड़े वाला बेटा ही है। तो आप लोग भी खा लीजिए, रात के खाने में आज सिर्फ मैगी है। तो हम दोनों ही हैं, छोटे वाला बेटा और उसके पापा कहीं गए हुए हैं, तो हम दोनों खा रहे हैं खाना, आप लोग भी खा लीजिए। और ये वाला तो रात के 9 बज चुके हैं, खाना पीना जो भी था सब कुछ हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कमियां हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, वैसे तो आजकल दुकान पे काम होता है तो बहुत कम बनती है वीडियो, टाइम नहीं मिलता, कुछ सूट वगैरह सिलने होते हैं क्योंकि शादी है। तो फिर चलिए कर देते हैं वीडियो का एंड, और ये देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।